हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पैंट्री में आप सबको स्वागत है। आज मैं शक्करपारे बनाने का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक स्वीट स्नैक से एक दो छोटा मोटा टिप्स फॉलो करके अगर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट खस्ता बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बन के रेडी हो जाएगा। शक्करपारे बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 2 कटोरी भर के मैदा। मैदे में अभी डाल दूंगी चुटकी भर नमक, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1 कटोरी भर के पिसा हुआ चीनी। नॉर्मल चीनी को मिक्सी में घुमा के एक पाउडर बना लिया। अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बार मिक्स कर लेना है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी मोयन के लिए घी। हमें घी का ही यूज़ करना है, इससे ही खस्ता बनेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे, इससे शक्करपारे तेल के अंदर जाके फट सकता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर अच्छे से मुट्ठी बन रहा है इसका मतलब है घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके एक डो बना लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मैदा, चीनी, घी, पानी के लिए मैंने सेम साइज़ कटोरी का यूज़ किया। डो बन चुका है। अभी आधे घंटे के लिए एक गीला नैपकिन से ढक्की से रख देना है। आधा घंटा बाद में चेक कर रही हूँ, ये अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार फाइनल टाइम 1.5 से 2 मिनट लगा के फिर से मैंने इसे गूंद लिया। अभी इसे बड़े बड़े साइज का लोइया काट लेना है। टोटल जो डो है उससे मैंने 4 इस तरह का लोइया बना लिया। एक एक करके लोइया लेना है और एक रोटी बेल लेना है। हल्का सा घी लगा लिया मैंने बेलन चाकी में। एक मोटा सा रोटी बनाएंगे, साइड से जो फट रहा है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस तरह का मोटा ही हमें बेलना है। एक पिज़्ज़ा कटर के मदद से मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ, जो एक्स्ट्रा है उसे रख देना है, बाद में उससे भी हम शक्करपारे बना लेंगे। तो छोटे छोटे स्क्वायर में कट कर लेना है। मैं छोटा छोटा कर रही हूँ क्योंकि तेल के अंदर जाके ये थोड़ा सा फूलेगा। देखिए हल्का सा मोटा भी है और तेल के अंदर जाके ये फूलेगा भी। तो जितना टोटल डो था उससे मैंने सारे शक्करपारे बना लिया। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। नीम गर्म तेल में हमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से शक्करपारे डाल देना है और फ्राई कर लेना है। पहले कुछ मिनट बिल्कुल करछी नहीं लगाएंगे, हल्का सा हिलाएंगे। अगर सब अच्छे से हिल रहा है इसका मतलब है नीचे छोड़ दिया, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। फिर जैसे ही ये ऊपर अपने आप तय के ऊपर आएगा, बबल्स आना शुरू होगा, हम करछी लगाना शुरू करेंगे। और नीचे जब हल्का सा फ्राई होने का कलर आएगा तब इसका हम साइड चेंज कर देंगे। ऊपर नीच करके गोल्डन ब्राउन करके हमें फ्राई करना है। ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, फिर भी ऊपर नीच करके अभी इसे देख लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे अभी निकाल लेते हैं। बस बन चुका है हमारा शक्करपारे। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में टेस्टी बनता है, खस्ता तो होता ही है, और सबसे बड़ी बात इसे हम स्टोर करके लंबा टाइम रख सकते हैं। सामने ही दिवाली है, इसे ज़रूर बनाइए और अपना फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। आवाज़ से ही पता चलेगा कि ये कितना खस्ता क्रिस्पी है, टेस्टी तो है ही। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।